धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर मंगलवार बुधवार रात आलुओं से भरा एक 14 चक्कर ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ट्रक के पलटने के कारण उसमें लोड आलुओं के बोरे सड़क किनारे खेतों में बिखर गए। सुबह मामले की सूचना स्थानीय लोगों को लगी तो सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद से आलुओं के बोरे ट्रक में लोड कर मुंबई के लिए जा रहा था। रात में राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर बिजली घर के पास धौलपुर की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रेलर आया, जिसको बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे ट्रक के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही उसमें लोड आलुओं के बोरे सड़क किनारे खेतों में बिखर गए। गनीमत रहे कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर यह हादसा दिन के समय होता तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। मनोज राघव की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। बोलिए, इसने तोमर के नाम में गाड़ी है, ये टाटा ट्रेल को ऐसा हम पर ड्राइवर ने गाड़ी झाड़ी वहाँ रोकी है। मैंने बात पूछी, ये धौलपुर वाला रोड है की ठीक है, तीसरा गेट डाल पाया तो यार ट्रेलर आया इतनी तेज, मैंने उधर साइड काटी है, लट्ठा में लग गई, उधर लट्ठा में लग गई, आगे चाटा लोगे आ गए पीछे के चले गए फसल के बाद डर रही है लोड ले। कहाँ थी गाड़ी आई है ये? सुखावा। कहाँ, कौन सी जगह जा रही है? आलू लड़ते कहीं?